जी आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मैं आपको सारा नोट्स भेज देता हूँ, ठीक है ना। बस हम लोग क्लास में सब चीज़ों को समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो आज स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है? टू पार्ट्स में। फर्स्ट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज द डिविजनल, नोट करते चलेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके बच्चों, तो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके और उसके बाद बात करेंगे फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, और उसके बाद बात करेंगे डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ओके तो चलिए बच्चों बात करते हैं। सबसे फर्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका होता है वर्क करने का। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वर्क करती है, काम करती है, तो उसका काम करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रारूप क्या होता है, तरीका क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज ए फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। मैनेजर किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, और सिस्टम कैसे काम करेगा। मैनेजर का तो पॉलिसी बनाना काम होता है, और ऑपरेशनल टास्क क्या होता है। ऑपरेशनल टास्क का मतलब होता है बच्चों कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। तो मैंने आपसे कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग को जानकारी लेना होता है कि भाई फ्रेमवर्क क्या है किसी भी कंपनी का, कंपनी का प्रारूप क्या है, आकार प्रकार कंपनी का क्या है काम करने का, मैनेजर किस तरीके से काम करेगा और ऑपरेशनल टास्क किस तरीके से काम किया जाएगा। ये एक रिलेशन है, इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल वर्क एंड रिसोर्स। एक संबंध बनाया जाता है किसके किसके बीच में, पीपल वर्क और रिसोर्स के बीच में। और जब तीनों का संबंध बना करके एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाता है, उसी स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइजेशन काम करना शुरू करता है, दैट्स कॉल्ड बी ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, कहने का मतलब क्या, नेटवर्क इशू तो है बेटा। चलो बच्चों जरा सारे बच्चे जरा मुझे चैट करो, सारे बच्चे जरा चैट करो। चलो ठीक है, एक बच्चे को क्लियर, मतलब मेरा सही है। अब आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा मेरा सही है। चलो गौतम झा आवाज क्लियर है। चलिए एक बच्चे ने कंफर्म कर दिया, डैट मीन्स कि मेरी वॉइस एकदम क्लियर जा रही है आपको। चलिए बच्चों फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, एक रिलेशनशिप है जो कि पीपल वर्क और रिसोर्स के बीच में डेवलप किया जाता है, और सबको मिला करके सबके सामंजस्य से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। और जो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है बच्चों, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, सेकेंड इज अ डिविजनल स्ट्रक्चर। बच्चों ये फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत आसान भाषा में आप लोग समझ जाएंगे। मान ली कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ओके बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को चलाना है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शन का क्या मतलब होता है, वर्क, जॉब, एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसका हेड होगा एमडी। सबसे पहले क्या होगा,
एमडी उसका हेड होगा, ठीक है। अब एमडी के नीचे क्या होगा बच्चों, एमडी के नीचे एमडी सबसे बड़ा हेड हो गया जो कि पॉलिसी बनाएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, और उसके नीचे अकॉर्डिंग टू वर्क सारे डिपार्टमेंट तैयार कर दिए जाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स, परचेज डिपार्टमेंट, नंबर टू, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, नंबर थ्री, मतलब जो जो वर्क है आपका, जो जो काम है, जो जो एक्टिविटी है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को जैसे परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग टू। तो मान ले कि किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वन इज द परचेज, सेकेंड इज द प्रोडक्शन, थर्ड इज द फाइनेंस एंड फोर्थ इज द मार्केटिंग। थर्ड इज द फाइनेंस डिपार्टमेंट और फोर्थ इज द मार्केटिंग। देखो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे, मैं क्या बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ कि इन फंक्शनल स्ट्रक्चर सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब एक्टिविटीज वर्क्स आर ग्रुप टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। ओके, फिर से सुनिए, इन ए फंक्शनल स्ट्रक्चर सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स एक्टिविटीज वर्क आर ग्रुप्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड पुट अंडर वन डिपार्टमेंट। बच्चों इट इज सुटेबल व्हेन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज एंड डीलिंग विथ ओनली वन प्रोडक्ट, ठीक है। कहने का मतलब कि जब सिस्टम बहुत बड़ा होता है तो हम काम के आधार पर क्या करते हैं, उसके सारे डिपार्टमेंट्स को बांट देते हैं। मान लीजिए कि एमडी है किसी कंपनी का, अब इसको सिस्टम को चलाना है तो उसने परचेज डिपार्टमेंट एक बना दिया, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया। परचेज डिपार्टमेंट क्या होगा, जितने रॉ मटेरियल्स परचेज किए जाएंगे उनका सारा काम किसको मिलेगा, परचेज डिपार्टमेंट को, और एक ही रूफ के अंदर ये सारे परचेज डिपार्टमेंट के ऑफिसर बैठेंगे। प्रोडक्शन, यहाँ पे सिर्फ निर्माण का काम होगा, निर्माण से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी होंगे, अफसर होंगे, सब यहाँ बैठेंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स के ऊपर डिस्कशन की जाएगी वो सब किस डिपार्टमेंट होगा, फंक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अगर मार्केटिंग किसी कंपनी का करना है तो उस कंपनी से रिलेटेड सारे लोग कहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे। ओके बच्चों, बच्चों फंक्शनल जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके बहुत सारे एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी। पहला जो इसका एडवांटेज है कि इट प्रमोट्स, ध्यान से सुनिएगा, इट प्रमोट्स फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। पहला एडवांटेज इसका मतलब क्या होगा, आप परचेज डिपार्टमेंट में हैं, हमेशा आप 10 साल से 20 साल से 25 साल से परचेज डिपार्टमेंट का ही काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, अब इसमें इतनी अच्छी इफिशियंसी आपकी हो जाएगी कि पूछिए मत, ठीक है। सेकेंड कहता है कि ईच फंक्शनल डिपार्टमेंट हैज ए मैनेजर हु परफॉर्म देयर वर्क कंटिन्यूअसली विच रिजल्ट इन मैनेजरियल इफिशियंसी। तो लगातार अगर एक आदमी उसी काम को अगर बार 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 कर रहा है तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और काम उसका बहुत परफेक्ट होने लगेगा। दैट इज द एडवांटेज। ओके, एंड डिसएडवांटेज इज द कि इफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज नॉट अचीव, क्यों, परचेज डिपार्टमेंट ने कहा कि मैंने तो अपना काम कर दिया, ठीक है, इसको सिर्फ किससे मतलब है, परचेज करने से। मार्केटिंग वालों क्या मतलब, यार यार मैंने तो मार्केटिंग कर दिया और सब जाने समझे, हमको क्या मतलब, सेल हो नहीं हो इससे क्या मतलब। हर डिपार्टमेंट को सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, हर डिपार्टमेंट को। हर डिपार्टमेंट में जाइएगा तो यार थोड़ा सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को बोलो ना कि वो थोड़ा ढंग से काम कर दे, ठीक है, तो क्या बोलेगा ये डिपार्टमेंट, अरे यार मुझे नहीं मतलब उसे, जाने जाने दो, जैसे कर रहा करने दो, मुझे नहीं लेना देना उससे। बेसिकली बच्चों ये पहला बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो डिपार्टमेंट सिर्फ किसके लिए काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं। ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर कॉजेज इनफ्लेक्सिबिलिटी एज द एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड एंड स्पेशलाइज्ड इन हिज ओन फंक्शनल डिपार्टमेंट ओनली, ठीक है। फंक्शनल में क्या होता है कि जिस डिपार्टमेंट का आदमी होता है, जैसे मान लिया जाए परचेज डिपार्टमेंट का 10 स्टाफ नहीं आया, ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्शन में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में सारे स्टाफ लोग भरे हुए। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्शन से दो दिन के लिए उस डिपार्टमेंट में भेज दूँ, क्या संभव है, नहीं, क्यों नहीं है, प्रोडक्शन वाला सिर्फ किस चीज़ का वर्क करता है, प्रोडक्शन का,
उसको परचेज डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। तो वर्क सिर्फ किसके का परचेज का, वो सीधा कहेगा कि सर मुझे तो प्रोडक्शन का वर्क आता है, मैं तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं, मैं जाके क्या करूँगा वहाँ पर। ऐसा है, डैट इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो बच्चों हम लोगों ने बात किया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में, हम लोगों ने बात किया कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने आपसे कहा कि टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फर्स्ट इज द फंक्शनल और सेकेंड इज द डिविजनल। फंक्शनल में हम लोगों ने बातचीत किया एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बच्चों बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ओके, मान लीजिए एक कंपनी है, जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है, डिफरेंट टाइप्स का प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो इसी तरह से एक कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक्स भी बनाती है, ऑटोमोबाइल का भी काम करती है, गारमेंट्स का भी काम करती है, स्मार्टफोन भी बनाती है, ठीक है। अब वो जो कंपनी है बच्चों, वो कंपनी कैसे काम करेगी? तो डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि देखो सबसे ऊपर एक MD होगा, MD तो ऊपर में होगा, ठीक है। और MD क्या करेगा, जो जो वर्क वो करता है सबके डिपार्टमेंट को, पहले डिपार्टमेंट नहीं, वर्क के अकॉर्डिंग टू वर्क, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कंपनी का मालिक या सबसे बड़ी अथॉरिटी, डेट इज द टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, तो डिविजनल स्ट्रक्चर में थोड़ा सा बात को फिर से समझना, डिविजनल स्ट्रक्चर में जो MD होता है वो जैसे ऑटोमोबाइल है तो ऑटोमोबाइल का पूरा सेक्टर अलग कर देगा, गारमेंट्स का पूरा सेक्टर अलग कर देगा, स्मार्टफोन का पूरा सेक्टर अलग कर देगा। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो MD है तो ये मान लो ऑटोमोबाइल्स, ऑटो मोबाइल्स एक हो गया, ठीक है। दूसरा मान लो कि एक वर्क कंपनी करता है गारमेंट्स का और तीसरा कंपनी करता है मोबाइल फोन, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट का जितना भी डिपार्टमेंट है सबको अलग कर देगा, मतलब इनको इनसे नहीं, इनको इनसे कोई मतलब नहीं। ऑटोमोबाइल में प्रोडक्शन होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा, ओके, इसी तरह से और भी एडवर्टीजमेंट होगा, इसी तरीके से सबका एक अपना अपना डिपार्टमेंट बना देगा। जैसे यहां भी रख लीजिए, फिर गारमेंट्स में भी रख लीजिए, प्रोडक्शन होगा, फाइनेंस होगा, मार्केटिंग होगा, एडवर्टीजमेंट होगा, और सेम चीज यहां भी होगा। बच्चों मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का ही मतलब है, जरा देख लू मैसेज आ रहा है कुछ बच्चों का। यस सुमित जी, CEO जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। निकी राज सर, आवाज थोड़ा रुक रुक के आ रहा है। बच्चों जरा फिर से एक बार आवाज क्लियर कीजिए, साउंड क्लियर, चलो ठीक है। अगर एक भी बच्चे को मेरी आवाज मिल रही है इसका मतलब कि आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं नहीं रुकूंगा, मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा, आप लोग बाद में वीडियो देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, सेम डिपार्टमेंट यहां भी होगा, ठीक है। तो डिविजनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ, डिविजनल स्ट्रक्चर का बच्चों मतलब हुआ कि इन डिविजनल स्ट्रक्चर सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स, इन डिविजनल स्ट्रक्चर सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स। जी अभिषेक जी, मिस्टर अभिषेक कुछ कह रहे थे क्या? अभिषेक बच्चों एक सेकंड आप लोग रुकिएगा, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा।
चलो बच्चों, थोड़ा सा ही एक बार बेटा कंफर्म करो, इसलिए कि नेटवर्क का इशू आ रहा है कुछ बच्चों को। लेकिन देखो मेरी बात को समझ, हाँ तो मेरी बात समझना, अगर मेरी आवाज आप तक एक बच्चे को भी पहुंच रही है तो मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा। आप लोग बाद में जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। कौन है भाई? इसके घर से लगता है बच्चे भी क्लास करते हैं क्या? सीखा बदमाशी मत किया करो, ठीक है? चलो तो मैंने आपसे क्या कहा बच्चों, कि अगर मेरी आवाज एक बच्चे तक भी पहुंच रही है तो मेरा नेटवर्क ठीक है, आपको वीडियो अच्छा मिलेगा, बाद में वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन मैं क्लास को बीच में इंटरप्ट नहीं करूंगा, ओके ना? ऐसे तो पता चलेगा 40 बच्चों में हर एक दिन किसी न किसी एक का नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो मैं बात कर रहा था बच्चों डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में, और मैं बात कर रहा था कि डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है? डिविजनल स्ट्रक्चर दैट मीन्स कि सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स रिलेटेड इन ए सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर से, तो उसके अंदर का हम लोग क्या किए कि प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग सब बना दिया। फिर गारमेंट्स में प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग सब बना दिया। फिर स्मार्टफोन में प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग सब बना दिया, ठीक है? तो होता क्या है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि जो जो वर्क होता है, जैसे ऑटोमोबाइल के लिए अलग सेक्टर बना दिया, गारमेंट्स के लिए अलग बना दिया, स्मार्टफोन के लिए अलग बना दिया, ठीक है? तो सबके लिए अलग अलग सेक्टर्स बना दिया, सब सेक्टर्स में डिपार्टमेंट, ठीक है? अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऑटोमोबाइल का अलग होगा, प्रोडक्शन गारमेंट्स डिपार्टमेंट का अलग होगा, प्रोडक्शन स्मार्टफोन डिपार्टमेंट का अलग होगा। दैट्स कॉल्ड बी ए डिविजनल स्ट्रक्चर, ओके? अगर बच्चों हम डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इफ द गोल ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट, एक जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है जैसे ऑटोमोबाइल है, तो उसका एक अपना गोल है, उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसको फॉलो करता है। इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन, इट हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो जो प्रोडक्शन है, परचेज है, फाइनेंस, मार्केटिंग, वो किसका है? ऑटोमोबाइल का है, तो सिर्फ ऑटोमोबाइल के ग्रोथ की बात करेगा, ठीक है ना? और प्रोडक्शन, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग किसके बारे में? गारमेंट्स के बारे में बात करेगा, स्मार्टफोन उसके बारे में बात करेगा, ठीक है? इसमें भी कुछ डिसएडवांटेज हैं बच्चों। डिसएडवांटेज में क्या है कि एवरी प्रोडक्ट डिपार्टमेंट नीड टू मेंटेन देयर इन्वेंट्री एज ए इंटरडिपेंडेंट यूनिट। अब मान लो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज है, फाइनेंस है, तो उसके अंदर जो स्टॉक होगा वो ऑटोमोबाइल का होगा, फिर गारमेंट्स का स्टॉक अलग होगा, फिर स्मार्टफोन का स्टॉक अलग होगा, ठीक है? तो सो मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एट इट ऑल्सो बिकम्स कॉस्टलियर। तो हर डिपार्टमेंट स्टाफ की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, हर डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं उसकी ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है? तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है फाइनेंशियली बहुत महंगा होता है और उसको ही प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो ये सब हमारे क्या है, डिसएडवांटेज है बच्चों। तो हम लोग अभी जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर स्टडी किया, वो हम लोगों ने स्टडी, सबसे पहला हम लोगों ने स्टडी किया कि भाई फंक्शनल क्या होता है और डिविजनल क्या होता है, ओके? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म आप लोग अभी ये स्टडी कर रहे हैं, ओके? चलिए अगला टॉपिक बात करते हैं। बच्चों अब बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है? फर्स्ट इज द फॉर्मल, ओके? नोट करते चलिए, फर्स्ट इज द फॉर्मल और सेकेंड इज द इनफॉर्मल। फर्स्ट इज द फॉर्मल और सेकेंड इज द इनफॉर्मल, ओके? अब हम लोग देखेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है बच्चों? देखो बच्चों फॉर्मल का क्या मतलब होता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा आप जानते हैं, ठीक है? फॉर्मल का क्या मतलब होता है, बड़ा सिंपल भाषा में समझिएगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर,
विच इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाई मैनेजमेंट टू अचीव द सिस्टमैटिक वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. क्या मतलब निकला बच्चों? जब एक डिपार्टमेंट सिस्टमैटिकली वर्क करता हो, आने का टाइम फिक्स, जाने का टाइम फिक्स, रूट्स रेगुलेशन फिक्स, सब चीज का अपना एकदम सिस्टम बना हुआ है, ठीक है. तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिस्टमैटिकली परफॉर्म करता है, नियम के अनुरूप परफॉर्म करता है, डेट्स कॉल्ड बी ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन विद द एम ऑफ फुलफिलिंग द सोशल नीड्स एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन इन नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर द एग्जाम्पल्स, एक मान लो बैंक है, बैंक में कुछ स्टाफ लोग बैठे हुए हैं, ठीक है. तो अभी काम चल ही रहा है, तब तक एक बैंक का स्टाफ उठ के आ गया एक बैंक के स्टाफ के पास, क्या भाई क्या हाल चाल है यार, तुम्हारा बेटा इंजीनियरिंग में कैसा कर रहा है, तुम्हारी बेटी क्या शादी हुई, सो अच्छे से है ना वहाँ घर. वो क्या कर रहा है? इनफॉर्मल टॉकिंग कर रहा है. इसके लिए कोई देखने सुनने वाला नहीं, ठीक है. मान लो किसी स्टाफ के यहाँ घर में अगर पूजा है, शादी है, कुछ है, तो पूरे ऑफिस को छुट्टी दे दी गई. दैट इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स कि नहीं, कुछ नहीं, आपके काम करने का समय है 9 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे लंच होगा, लंच के टाइम में आप बात कीजिए. अगर आप उस पीरियड में बात कीजिए तो आपकी सैलरी काट ली जाएगी, ठीक है. डेट्स कॉल्ड बी ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ओके बच्चों, अब फॉर्मल के भी कुछ एडवांटेज है और कुछ डिसएडवांटेज हैं, एकदम ध्यान से सुनिएगा. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू सिस्टमैटिक एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जाइएगा तो एकदम सब कुछ सिस्टमैटिक, बड़ा अच्छे से लगेगा और अच्छा लगेगा कि यार ये तो बड़ा अच्छा सा काम हो रहा है. और इसमें कौन सा होता है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. पढ़ाए थे ना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ठीक है. जो आपका जो अधिकारी होता है वो जो ऑर्डर आपको करता है उस ऑर्डर को एकदम कंप्लीट तौर पर फुलफिल करना पड़ता है. इसी में इसका डिसएडवांटेज भी है कि जो कम्युनिकेशन होता है बड़ा स्लो होता है. मतलब बगल में स्टाफ काम करता रहेगा अगले केबिन में, लेकिन इस पर से फाइल कब जाएगी, जब कोई प्यून आएगा उठा के लेके जाके देगा तभी जाएगी, ठीक है. इनफॉर्मल में क्या होता, हो सकता है कि मेरे पास काम हो गया, ले भैया मैंने कर दिया यार तू भी कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होता. तो बच्चों एक चीज को ध्यान में रखना कि इसका जो डिसएडवांटेज है कि इसका कम्युनिकेशन बहुत स्लो होता है. दूसरा कि इम्प्लॉयज बिकम्स डीमोटिवेटेड. अब कोई इम्प्लॉय गया ऑर्गेनाइजेशन में, सर हम चाह रहे थे कि स्टाफ लोग को बुलाना, हमारे यहाँ पूजा था सर, आज सब लोग का भोजन था. मैनेजर क्या बोलेगा, नहीं नहीं वो तो वर्किंग है, आप वर्किंग में पूजा कर रहे हैं तो शाम को कीजिए, लोग जाएंगे शाम को जाएंगे, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, और स्टाफ को कोई छुट्टी, आप जाएंगे तो आपकी सैलरी कटेगी. डैट इज द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें क्या होता है, कभी कभी इम्प्लॉय मैनेजमेंट के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता. एंड सेकेंड इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल में बच्चों क्या होता है कि फास्ट कम्युनिकेशन होता है. कम्युनिकेशन फास्ट डेट मीन्स कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आया भाई देखो यार ये नियम बनने वाला है, देख लो ऐसे ऐसे नियम होने वाला है, ठीक है. पता चलता अभी नोटिस आया नहीं, नोटिस आया नहीं, मेल आया नहीं, और सारे लोग को पता है कि कल से छुट्टी होने वाली है ऑफिस में. डैट इज अ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो कहता है कि इसमें फास्ट कम्युनिकेशन है. इंप्लॉय गेट मोटिवेटेड बिकॉज देयर सोशल नीड्स आर फुलफिल्ड. हर इंप्लॉय जो होता है मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है. क्यों? इसमें सोशल नीड्स को आपको ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है कि भाई ये देखो यार उसकी तबीयत ठीक नहीं, चलो ना यार उसके बदले काम कर देते हैं, ठीक है ना, चलो ना उसकी कोई मदद कर देते हैं, उसकी बच्ची की शादी है तो एक दिन ऑफिस को बंद करके सब लोग उसके यहाँ चल चलेंगे, ये सब चीज़ें होती. नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, कोई सिस्टमेटिक वर्किंग कंडीशन नहीं, कोई नहीं, जिसको जैसे मर्जी हो रहा है वैसे अपना काम कर रहा है, ठीक है. और र्यूमर बहुत फैलता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारा र्यूमर फैलता है. पता चलेगा यार कोई कुछ बोला नहीं और सारी बातें फैल गई, ठीक है. तो बच्चों आज हम लोगों ने बात किया है, ठीक है, इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ना है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है. एक दिन में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सब है और ये सारे टॉपिक्स एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है. तो मैं तो चाहता तो आज चैप्टर ख़त्म कर देता, लेकिन नहीं करूँगा, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ठीक है ना. तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों. आज इतना पढ़िए, ठीक है. जिन बच्चों की क्लासेस रहती है
5 बजे से एक बार ज्वाइन करेंगे, देखते हैं। आज इवनिंग का कंडीशन बेटा बहुत ख़राब है, 5 बजे के बाद नेटवर्क ही नहीं रह रहा है, ठीक है, बहुत कंडीशन ख़राब है 5 बजे के बाद, देखते हैं। अगर कुछ दिन अच्छे से चला तो ठीक है, नहीं तो सारा क्लास मॉर्निंग में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। हाँ बोलिए। जी मैं उसी की बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि इन द अच्छे की बात बताइए, मेरी बात ध्यान से जरा सुनिएगा। एकदम सही कहा है आपने कि वहां का मीनिंग था प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज स्ट्रिक्टली फॉलोड इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि किसी सिस्टम में आप नौकरी करने जाते हैं, ठीक है, नौकरी करने जाएंगे तो आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि देखिए आपको मंथ में 2 छुट्टी मिलेगी, आपको 8 बजे ऑफिस में आ जाना है, 2 बजे लंच होगा, ठीक है, फिर 2:30 में आपको अपने टेबल पे आ जाना है, 6 बजे आपकी छुट्टी होगी, 6 बजे आपको घर जाना है, ठीक है। डैट इज़ द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब नहीं होता है इंस्ट्रक्शन देना, एकदम सही क्वेश्चन आपने तनु पूछा है। ऑर्डर का मतलब इंस्ट्रक्शन देना यहाँ नहीं है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे है सिस्टमैटिक। बात समझ में आया तनु जी? ठीक है ना, तो आज इतना पढ़िए आप लोग, और नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इसलिए ज़्यादा पढ़ा देंगे थोड़ी परेशानी आप लोग को हो जाएगी। एनसीईआरटी जरूर बच्चों पढ़िए, ठीक है ना, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, ठीक है, ओके। आज के लिए थैंक यू, देखते हैं 5 बजे, ओके।